अस्सलामुअलैकुम याली मदद, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे नज़र आएगी क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचे रोज़ा खुलने से पहले, और यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वीडियो को प्रॉपर जो है वो शूट करते हैं। तो हमने शुरू की कुछ जो है वो आपको क्लिप दिखाएं, वो दिन के हैं, बिल्कुल मगरिब के वक्त के हैं, जिसमें हमने इमामजादों की आपको दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग अब हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं पे भी हम आते हैं वहाँ पे हमें टाइम लगता है, वहाँ पे हमें रिसर्च करनी होती है, वहाँ पे लोगों से मिलना होता है, फिर कुछ नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ इलाम जो होता है, वो सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं हमारे पास, जमा होती हैं, तो हम एक वीडियो तरतीब देते हैं। तो ये वीडियो आपको ऐसी नज़र आएगी कि कुछ दिन में नज़र आ रही है, मेरा इंटरव्यू रात में नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। और क्योंकि ये हमारे पास टाइम ही पीरियड इतना है और हम यहाँ पे फिल वक्त ज़्यादा रुक भी नहीं सकते क्योंकि हम जिन लोगों के साथ आए हैं वो भी यहाँ से वापस चले जाएंगे, उन्हीं के साथ आए थे हम। तो ये जगह जो है वो जंपीर है, बिल्कुल मेरे राइट साइड पे रेलवे स्टेशन है जंपीर का, वहाँ से आप पैदल भी इस जगह पर आ सकते हैं। अगर आप नूरियाबाद से अंदर आएँ जंपीर की तरफ तो तकरीबन 35 किलोमीटर के बाद ये एक सादात कॉलोनी मिलेगी, ठीक बाहर आपको यह नासिरपुर लिखा हुआ मिलेगा, जो 1943 में बनाई गई थी ये कॉलोनी। इसमें जो मेन मेरे लिए अट्रैक्शन है वो मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पर तीन इमामजादे। पाकिस्तान में ये वर्ड नया है इमामजादे, मगर ईरान में सिमिलर है। ज़्यादा तुरबतें जो है वो आपको इमामजादगान की मिलेगी, यानी कि मौला अली के आल की मिलेंगी, जिसमें इमाम है, इमाम के आगे बच्चे हैं, उन्हें हम इमामजादगान कहते हैं, और वो पोते पोतियाँ भी होते हैं मुख्तलिफ इमामों के, और किसी एक इमाम के औलाद भी होते हैं। तो उन्हीं में से यहाँ जो हमें तीन इमामजादगान मिले हैं वो इमाम जैनुल आबदीन के नूर चशम है, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर से आगे पीछे जो है वो यहाँ पर आए समंदर के रास्ते, और यहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया और एक ही गड़ा खोद के उसमें डाल दिया गया। वीडियो में आपको तीन अलग अलग कब्रें नज़र आएंगी, यहाँ मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो रीजनिंग हमने पता की है, मगर बहुत से लोग वीडियो के सामने बोलने से कतरा रहे हैं। ये बहुत से यहाँ के इलाके वालों को भी नहीं पता ये कौन है, क्योंकि जिनको ये नज़र आए, जिनको उन्होंने डेटा दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिनको बता के गए वो भी नहीं है उनके भाई, मगर जो यहाँ महसूसात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपको इमामजादगान वाली हमें फ़ील हो रही है। और इनके नाम जो है वो इमामजादा हादी बिन मोहम्मद हैं, इमामजादा इलियास बिन मोहम्मद हैं, और इमामजादा जाफ़र बिन मोहम्मद हैं। जाफ़र बिन मोहम्मद छोटे बताए जाते हैं, इलियास उनसे बड़े हैं, और हादी जो है वो सबसे बड़े बताए जाते हैं। ये तीन भाई थे इमाम जैनुल आबदीन के, जो किसी ज़माने में शाह बंदर की पोर्ट थी, वहाँ के थ्रू जो है ये यहाँ आए, और केंजर झील के किनारे इन्होंने बसेरा डाला और यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो मकबरी हुई, तो ये ज़्यादा एज के नहीं थे, और इन्हें जो है यहाँ पे शहीद कर दिया गया और घड़े में डाल के दफना दिया गया। यहाँ पे कभी कभी लोगों को खुशबू भी आती है, कभी कभी उनको ज़्यारत भी हो जाती है, इसी तरह लोगों को फ़ील होता है। और जब हम दाखिल हुए और यहाँ से हम ढूंढते हुए आगे जा रहे थे, हमारा भी दिल ऐसे खींचा कि यही जगह है, बट फिर भी हम आगे से कन्फर्म करके फिर पीछे आए। तो ये वो अहले बैत हैं जो कहीं भी हों, अपनी शान व शौकत, अपना नूर, अपना जलवा किसी न किसी के तरीके से बताते रहते हैं, कभी लोगों के ख्वाब में आकर, कभी लोगों को महसूसात करवाकर, और कभी अपना आप आयां कर। अब मुझे लगता है पाकिस्तान में जो इमामजादगान हैं उनके टाइम आ गया है कि वो अपनी जारियत लाएं, और ला रहे हैं, जैसे कि हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं, ये भी जाहिर होने को तैयार हैं और यहाँ पर फैज़ बांटने को तैयार हैं। और आज मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कुछ सालों के बाद यहाँ पर भी बहुत बड़ी जो है वो एक दरबार होगा, और लोगों का दांता बंधा रहेगा, और लोग अपनी ज़रूरियात, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे। कुछ रूह की ताजगी के लिए आएंगे, कुछ जो है वो अपने आप को यहाँ सपोर्ट करने आएंगे, और कुछ जो है वो अपने आप को यहाँ रूह के हिसाब से ठंडा करने आएंगे, और कुछ यहाँ मांगने आएंगे, और कुछ यहाँ देने आएंगे, बांटने आएंगे। इस वक्त मैं जंपीर पे हूँ, और ये जंपीर का छोटा सा कस्बा है, और बिल्कुल सामने मेरे जो है ये झाड़ियों से उस तरफ जो है रेलवे लाइन है,
और इस तरफ जंपीर का रेलवे स्टेशन है और ये वो सादात कॉलोनी है जो लोग इंडिया से आए और यहाँ पे मुकीम हुए। ये वो सादात ये तुर्बत है, यहाँ पर मुकीम है और ये हमारी सादत है कि हम यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं। ये तीन सादात कब्रें हैं जो साहब थे उनकी बता देंगे आपको इस चीज़। अच्छा, पहली तख्ती लगी हुई है मेहदी बिन मोहम्मद, दूसरी है इलियास बिन मोहम्मद, तीसरी है जाफर बिन मोहम्मद। सलाम अलैकुम, याली मदद।